लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट्स का पुनः स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में, भारत का आधुनिक इतिहास के बारे में। इसका एक पार्ट पहले भी हमने डिस्कशन कर लिया है, अब आज पार्ट नंबर टू की तरफ बढ़ेंगे। और स्टूडेंट्स, आप इसमें बने रहें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। आप देखेंगे आगामी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न आपको इस सीरीज में से देखने को मिलेंगे। आइए शुरुआत करते इस वीडियो की। वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर है सैयद अहमद बरेलवी। और स्टूडेंट्स, ये प्रश्न पहले बहुत बार पूछा जा चुका है कि वहाबी आंदोलन किसने शुरू किया था, सैयद अहमद भी आप याद रखेंगे तब भी बेहतर होगा। सन 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय द जनरल सर्विस इनलिस्ट इन्वेस्टमेंट एक्ट में क्या प्रावधान किया गया था? भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए समुंदर पार कर विदेश में जाना होगा। आपको ज्ञात होगा 1856 के आसपास जो भारतीय सैनिक थे, उस समुंदर को पार करना उनके लिए उनका धर्म परिवर्तन, धर्म के जो जिस धर्म को मानते थे उस धर्म के अकॉर्डिंग टू ऐसा माना जाता था कि यदि आपने समुंदर को पार कर दिया तो आपने अपने धर्म की अवहेलना कर दी है, आप अछूत हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए लॉर्ड कैनिंग ने एक एक्ट बनाया, द जनरल सर्विस इनलिस्ट इन्वेस्टमेंट एक्ट। इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय सैनिकों को विदेश जाने के लिए समुद्र को पार करना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अपनी सेना को दी गई नई राइफल, जिसका प्रयोग करने से पहले कारतूस पर लगी चर्बी को मुंह से हटाना पड़ता था, उस राइफल का नाम क्या था? इस राइफल का नाम था इनफील्ड। और यदि आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का जो तत्कालीन कारण था, वो तत्कालीन कारण भी ये राइफल ही था, जिसके पीछे जो चर्बी लगी होती थी उसे मुंह से खींचना पड़ता था। लेकिन आपको ज्ञात है हिंदू और मुस्लिम थे जो उनकी अंग्रेजों की सेनाओं में कार्यरत थे, वो उसको खींचने से मना कर दिया और एकदम से वहाँ पर विद्रोह हो गया था। 29 मार्च 1857 को कारतूस के प्रयोग का विरोध सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे। और स्टूडेंट्स, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैंने ऐसे प्रश्नों को लिया जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे जा चुके हैं और जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 10 मई 1857, आप याद रखें 10 मई 1857 को क्या हुआ था, भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता क्रांति की शुरुआत हुई थी। संपूर्ण देश में सन 1857 की क्रांति को शुरू करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई 1857, लेकिन इससे 20 दिन पूर्व भी ये क्रांति शुरू हो गई थी। सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर। किस विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से भारत की सत्ता निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई? तो इसका सही उत्तर है सन 1857 की क्रांति। स्टूडेंट्स, आपको ज्ञात होगा जो 1857 की क्रांति थी, यदि हम उस समय के रिसोर्सेज की बात करें, उस समय इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी, थोड़ा सा नेतृत्व, हमारा केंद्रीय नेतृत्व इसमें ढीला था, और सेकंड आप इसमें कोऑर्डिनेशन समन्वय नहीं कर पाए, जितने स्वतंत्रता सेनानी थे ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसको इस क्रांति की जो विधिवत शुरुआत होनी थी वो 31 मई को होनी थी, लेकिन क्या हुआ वो 10 मई को ही जल्दबाजी में इसकी शुरुआत कर दी गई। मतलब उस समय की हम बात करें तो जो आज सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र फैला हुआ है उसका बहुत ज़्यादा अभाव था और एक केंद्रीय सुदृढ़ नेतृत्व का अभाव था, जिसके कारण और इसके साथ में बहुत से इसके कारण भी रहे हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारण भी रहे इस क्रांति के फेल होने के। लेकिन फिर भी अंग्रेजों को इस क्रांति से भारतीयों ने सचेत कर दिया था कि आप ज़्यादा दिन तक हमारे देश में नहीं रहने वाले हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए आप, उसके बाद भी 1947 में हम लोग आज़ाद हुए। कितने अंग्रेजों ने अपनी जो उनकी कूटनीतिक चालें थी, औपनिवेशिक चालें थी, उससे उन्होंने भारतीयों को पुनः अपनी गुलामी में बांधे रखा। तो 1857 की क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति रहती है, लेकिन इस क्रांति के कुछ असफल ही क्रांति बेशक रही, लेकिन इसके कुछ प्रभाव पड़े। उसके क्या प्रभाव पड़े, आपको ज्ञात होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, हमारे राजनीतिक, सामाजिक और जो धार्मिक
हस्तक्षेप करना भी शुरू कर दिया। तो इस कंपनी ने क्या किया था, 1600 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना हुई थी, 1857 तक इसने भारत की जो राजनीतिक सत्ता थी उसको भी हथिया लिया था। लेकिन 1857 का विद्रोह इतना खतरनाक विद्रोह था कि जो उसमें इंग्लैंड की महारानी थी उसने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार के ऊपर कंसंट्रेट करे, इसके राजनीतिक जो हस्तक्षेप है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्देशित किए जाएंगे। सन 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था, इसका सही उत्तर है जनरल वक्स खान। गंगाधर राव की विधवा महारानी लक्ष्मीबाई ने मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा किस क्रांति में बुलंद किया था। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने सुना होगा महारानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा के बारे में, तो इन्होंने ये जो नारा दिया था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये 1857 के विद्रोह में दिया था। सन 1857 की क्रांति में हिंदुओं और मुसलमानों ने एक साथ मिलकर भाग लिया था क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। इससे दोनों धर्मों के सैनिकों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया था। मैंने आपको बताया कि तत्काल यदि कारण आपसे पूछ लिया जाए 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था, तो उसका तत्काल कारण ये था कि जो अंग्रेजों के द्वारा नई इनफील्ड नाम की एक राइफल लाई गई थी उसमें क्या था, उसमें गाय और सुअर की चर्बी को मुंह से खींचना पड़ता था, लेकिन हिंदू और मुस्लिमों ने के धर्म के खिलाफ था तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और इस स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम क्रांति के रूप में इसका उद्गम हुआ था। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत की सत्ता को ईस्ट इंडिया से ब्रिटिश सरकार को देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया था, इस अधिनियम का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। स्टूडेंट्स इसको याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द कोड ऑफ प्रोप्राइटर, द कोड ऑफ प्रोप्राइटर, द कोड ऑफ डायरेक्टर्स का विघटन करके द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स प्रश्न से आप समझ सकते हैं कि हमने काफ़ी कड़ी मेहनत की है, अपना पूरा अनुभव इस सीरीज को बनाने के लिए झोंका है ताकि आपको उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। विभिन्न तरह की परीक्षाओं में आप देखेंगे सीधा और साधारण सा प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि भारत सचिव के पद का सृजन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया, तो इसका सही उत्तर है भारत शासन अधिनियम सन 1858। आप इस प्रश्न को पुनः अच्छे से एक बार खुद पढ़ लें ताकि ये प्रश्न यदि किसी और तरीके से पूछा जाए तब भी आप इसको करने में समर्थ हो जाएं। सन 1857 के विद्रोह में क्रूद सिपाहियों के साथ साथ अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध जनसाधारण में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था, इसलिए इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा देना युक्तिसंगत नहीं है। देखिए जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो अंग्रेजों की बहुत किरकिरी हुई थी पूरे भारत में, भारत में ही नहीं यूरोप में भी इनकी काफ़ी किरकिरी हुई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह है ये मात्र सैनिक विद्रोह है ताकि भारतीयों का मनोबल गिरा सके, लेकिन आप इसमें देखेंगे ये मात्र सैनिक विद्रोह ही नहीं था क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ थीं वो काफ़ी शोषित करने वाली नीतियाँ थीं जिससे जनसाधारण का जीवन भी प्रभावित हो रहा था। यदि व्यापारियों की बात करें, सामाजिक तत्वों की बात करें या हम लोग आर्थिक शक्ति के रूप में जिस तरह से इनका प्रति ये इनका आधिपत्य जम रहा था तो इससे भारतीय काफ़ी क्षुब्ध थे, तो इसे सैनिक मात्र सैनिक विद्रोह कहना भी उचित नहीं होगा। बाल विवाह को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट कब पास किया गया था, तो इसका सही उत्तर है 1872। आप याद रखें 1872 में क्या किया गया था, बाल विवाह को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था। हिंदुत्व में अस्पृश्यता एक काला धब्बा है, जब तक समाज में अस्पृश्यता का अस्तित्व है यह न केवल समस्त हिंदू जाति के लिए अपितु देश के लिए शर्मनाक है। जब हम इस कुरीति को हिंदू समाज की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे तभी सच्चे अर्थों में सभ्य समाज बन सकेगा, तभी समुच्चे विश्व को समानता का उपदेश दिया जा सकेगा। ये सेंटेंस है, आपको बताना है ये किसने कहा है, तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। और स्टूडेंट्स जो भी हाल ही में नायब तहसीलदार की परीक्षा हिमाचल प्रदेश में होने वाली है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आईएएस में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
मेरी अभिलाषा है कि मेरे आंगन में सभी संस्कृतियाँ एक साथ फले फूले, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए। मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित या निर्धन हो। ये किसने कहा था? तो इसका भी सही उत्तर है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि मैं नहीं चाहता मेरे पैरों तले कोई भी संस्कृति कुचली जाए, मैं नहीं चाहता कि समाज में कोई दलित, पिछड़ा, अशिक्षित या निर्धन हो। विधवा पुनः विवाह के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किस समाज सुधारक ने दिया? तो इसका सही उत्तर है ईश्वर चंद विद्यासागर। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वर्ष 1929 में शारदा एक्ट इम्प्लीमेंटेड 1 अप्रैल 1930। देखिए प्रश्न विवादित प्रश्न भी है, इसको अच्छे से क्लियर कर लें। शारदा एक्ट कब बना था? 1929 में बना था। यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 1929। यदि पूछा जाए कि वर्ष 1929 में शारदा एक्ट को बनाया गया, इसे लागू कब किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1 अप्रैल 1930। तो आपने बताना है कि वर्ष 1929 में जो शारदा एक्ट बनाया गया उसके अनुसार शादी की उम्र क्या निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष लड़कियों की तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। वर्तमान में लड़की की शादी करने की आयु 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत सरकार ने सन 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाकर विवाह की आयु सीमा क्या निर्धारित की? तो स्टूडेंट्स आप याद रखें, 1878 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और लड़कों की शादी करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, और लड़कियों की शादी करने की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित की गई। यह कथन किसका है? मध्यरात्रि होते ही पूरा संसार सो रहा था और भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। मैं पुनः रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, काफ़ी मोटिवेटिव स्टेटमेंट है। मध्यरात्रि होते ही पूरा संसार सो रहा था और भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठा। तो ये कथन था भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। सविनय अवज्ञा आंदोलन में करों का भुगतान न करने की प्रेरणा महात्मा गांधी को किससे मिली थी? तो इसका सही उत्तर है थोरो। आपको पता होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, जिसमें अंग्रेजों के बनाए गए नियमों का बहिष्कार किया गया था। तो ये प्रेरणा महात्मा गांधी को कहाँ से मिली थी? थोरो से मिली थी। कोलकाता विश्वविद्यालय किसकी रिपोर्ट के आधार पर खोला गया था? बुड डिस्पैच। आप याद रखें, बुड डिस्पैच के आधार पे कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में राजस्व एकत्रित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किस वायसराय ने बनाई थी? तो स्थायी बंदोबस्त शब्द जब भी आए तो आप इसको जोड़ देंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ में। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो स्टैंड्स ये उपाधि दी गई थी महिलाओं के द्वारा। तो आप याद रखें, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, हाल ही में इनकी विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में बनाई गई है। तो आप याद रखें, जो ने पटेल जो ने सरदार की उपाधि दी गई थी, ये बारदोली सत्याग्रह में महिलाओं के द्वारा दी गई थी। किसके कार्यकाल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों व कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है मैकाले, सन 1835। मुस्लिम लीग द्वारा अलग मुस्लिम समाज का प्रस्ताव कब पास किया गया था? तो अलग से मुस्लिम राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने जो प्रस्ताव पास किया गया था वो सन 1940 में किया गया था और ये लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ये लॉर्ड इरविन वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम टिप्पू सुल्तान की संधि किसके बीच में हुई थी? उसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इसका भी सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। महात्मा गांधी को जब
पहली बार जेल भेजा गया तो उसमें भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड जेम्स फोर्ड। आप याद रखें, लॉर्ड जेम्स फोर्ड जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो पहली बार महात्मा गांधी को जेल भेजा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सन 1925 में सरोजनी नायडू। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? सन 1927 में। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी 1932 में। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। सन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक कानून बनाकर किस प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सती प्रथा। आपको ज्ञात होगा स्टूडेंट्स, सती प्रथा को जो गैर कानूनी घोषित किया गया तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और सन भी आप याद रखें 1829। बहुत सी परीक्षाओं में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगस्त 1828 में राजा राममोहन राय ने किस संस्था का गठन किया था? तो इनके द्वारा गठित किया गया था ब्रह्म समाज। ब्रह्मा समाज में सर्वधर्म समभाव पर बल दिया गया। राजा राममोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली थी? रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। और भाषा क्या थी इसकी? बांग्ला भाषा में इसका प्रकाशन किया गया था। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने सन 1858 में धर्म समाज का नया आचार्य किसे नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग ने। कब की थी? 1857 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई। परमहंस मठ की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं एवं उपदेशों को प्रसारित करने के लिए किस मिशन की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी ने सन 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को कहाँ पर संबोधित किया था? तो इसका सही उत्तर है शिकागो अमेरिका में। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि आप लोग यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक वेबसाइट है हमारी eliteStudyco.in, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो हमारी टीम के द्वारा बहुत ही उत्कृष्ट अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। यहाँ पे आपको मिलेंगे पिछले 1.5 वर्ष के आसपास के करंट अफेयर्स, जिन्हें सिंगल लाइनर की फॉर्म में तैयार किया गया है, कंसाइज नोट्स की फॉर्म में तैयार किया गया है। और सबसे लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स की हमारी PDF आपको अपलोड करवाई जा रही है, 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक की अर्धवार्षिकी विशेषांक करंट अफेयर्स की PDF है। आप इस PDF को क्यों पढ़ें? सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टैंड्स इसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और इसके अलावा जो भारत की जितनी भी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं प्रकाशित होती है उनका सारांश भी, जो हमें लगा इम्पोर्टेंट है आने वाली किसी परीक्षा के लिए, उसको भी सिंगल लाइनर और कंसाइज नोट्स की फॉर्म में हमारी टीम के द्वारा संग्रहित किया गया है। और ये PDF आपको विभिन्न तरह की आगामी परीक्षाओं के लिए सफलता दिलाने में सहायक सिद्ध होगी, ये हमारा विश्वास है। बहुत से विद्यार्थियों का इस तरह की अध्ययन सामग्री को पढ़ने से समय बचता है और उन्हें सफलता जल्दी मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स पटवारी परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2013-15-16 के फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारी इस वेबसाइट पे उपलब्ध करवाया गया है। और स्टूडेंट्स इन्वायरमेंट पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बिना शायद आज के वर्तमान समय में किसी परीक्षा को पास करना संभव नहीं है। तो हमारी टीम के द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन्हें सिंगल लाइनर की फॉर्म में तैयार किया गया। उसके द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए इन्वायरमेंट के प्रश्न को लिया गया। और इसके अलावा स्टूडेंट्स UGC नेट की परीक्षा में वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक के पर्यावरण से संबंधित बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हमने यहाँ पे संग्रहित कर लिया। और वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2017 का सारांश भी इस PDF में हमने संग्रहित किया है और ये PDF भी आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जा रही है, इसका भी आप लोग लाभ उठाएं। और स्टूडेंट्स एलाइड सर्विसेज की बात करें तो पिछली बार हिमाचल प्रदेश
बजट सारांश और बजट तथा आर्थिकी सर्वेक्षण 2018-19 से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए थे, और ये हमारी पीडीएफ इतनी सहायक सिद्ध साबित हुई कि आपको जो बजट के बहुत बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ इस पीडीएफ को परचेज करना है और सिंगल लाइनर की फॉर्म है, फटाफट उसको अपने मोबाइल फ़ोन में ही रिविज़न करना है दो बार और आपका काम हो गया। और बहुत से प्रश्न आपको सीधे इस पीडीएफ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि पिछले परीक्षा में भी जो लाइट सर्विसेज की अप्रैल 2019 में परीक्षा हुई थी, बहुत से प्रश्न इस पीडीएफ में से सीधे सीधे पूछे गए थे। और स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सी किताबें हमारी आप इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगी। हाल ही कुछ ही दिनों में अलाइड सर्विसेज की परीक्षा होने जा रही है, तो जो सबसे अलाइड सर्विसेज का सबसे लेटेस्ट पेपर अप्रैल 2019 में हुआ था, उसके बाद 18, 17 और 16 में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के द्वारा इस परीक्षा को आयोजित किया जा रहा है, तब से लेकर वर्तमान समय तक बिल्कुल फुली अपडेटेड पीडीएफ हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, और आपको ये पीडीएफ elistudyco.in वेबसाइट पे उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, यदि आप बिल्कुल सेफ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि आप पीछे के 6 महीने के, और यानी आप लोगों को जाना है इस पीडीएफ पे यहाँ पे, और आपको जुलाई 2018 से लेकर दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स भी अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि एलाइड की परीक्षा को आप क्वालिफाई कर सकें। यानी जुलाई 2018 से लेकर सितंबर 2019 तक के करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर आपका पेपर आने वाला है। और स्टूडेंट्स, विभिन्न तरह की अध्ययन सामग्री, इसके साथ में कुछ हार्ड कॉपीज भी हमारी इस वेबसाइट पे उपलब्ध है, जैसे हिमाचल प्रदेश के लिए आपको अलौकिक हिमाचल प्रदेश, ये सारी पुस्तकें जो सॉफ्ट कॉपी में है इनकी इंस्टेंट डिलीवरी होती है। जैसे आप इसको परचेज करते हैं, आप अपने इनबॉक्स में या इलाइ स्टडी के जो भी आपका अकाउंट बनता है उसमें आपको ये उपलब्ध करवा दी जाती है। और स्टूडेंट्स, आप हार्ड कॉपी भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। हिमाचल दर्पण सामान्य ज्ञान की किताब है, बहुत अच्छी किताब है। कम समय में यदि आपने ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो आप इस किताब को अच्छे से पढ़ लें। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश की जितनी भी उत्कृष्ट किताबें हैं यदि उनका हम सारांश हम नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, तो नोट्स के टाइप में ही ये हिमाचल 360 जो पुस्तक है अभिषेक चौहान सर की, इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और आपके पास काफ़ी समय है, डिस्क्रिप्टिव आराम से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी किताब है अलौकिक हिमाचल प्रदेश, द वंडर लैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिस लिखा गया है जगमोहन ब्लोखड़ा सर के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, ये किताबें आपको हार्ड कॉपी में आप यहाँ से ऑर्डर करेंगे और आपके पते पे पहुँचा दी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, बने रहें आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टेड यूट्यूब चैनल।